जी जी विनय भाई। जी हेलो, आवाज आ रही है सर? जी भाई आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं एक्चुअली मुझे जुल्फिकार साहब एक मुझे कंफर्मेशन दे दिए। मैं आपके सारे ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो मुझे, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मुझे जवाब दें, क्योंकि मैं पिछली बार आपने मुझे क्वेश्चन किया, मैंने जवाब दिया, और आप जैसे ही मैंने क्वेश्चन करा आपने मुझे एग्जिट कर दिया, मतलब अली साहब ने बिल्कुल एग्जिट कर दिया। नहीं तो ऐसी मैं बात नहीं चाहता हुई हूँ, होगी विनय वर्मा साहब, मैं माजुर चाहता हूँ। मैंने आपको ये कहा होगा और ये बात बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड है कि आप मंडे को तशरीफ ले आए, तब हमारा आंसर क्वेश्चन सेशन होता है, तब आप सवाल रख लें। आमिर हाँ भाई वो का भी एक होता है, सुन लें, आप दोबारा सुन लें, इस तरह गलत बयानी नहीं करते होते। हमारी हमारी ये आदत नहीं है। अगर हमने आज आंसर क्वेश्चन सेशन रखा होता तो यकीनन आपको हम इजाजत देते कि आप सवाल करें। इस तरह गलत फहमी नहीं फैलाते मेरे भाई, आप तशरीफ लाएं, मंडे को अपना सवाल रख लीजिएगा। अगर आपके पास आज के सवालों का जवाब है तो आप इनको दीजिए बताया भी था, अपना अलीरजा अलीरजा हुन साहब, इनको 3 दफा मैंने बताया था कि भाई मंडे वाले दिन हमारी इतने बजे आती है, विनय भाई अगर वही अच्छे से। है ये वो वाले भाई मुझे हैं, नहीं है। हाँ भी ऑडियंस भी कह रही है कि यही बात हुई थी, इन्होंने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके ब्लेम लगा दिया, ऐसी अच्छी बात नहीं है। ठीक नहीं है, नहीं अगर नहीं वो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन, का ही मैंने नहीं सेशन देखा, था वो। मैंने नहीं देखा, मैं आपको सुने जरा, मैं एज एन ऑडियंस बात करने लगा, एज अ टीम मेंबर नहीं। मैंने नहीं देखा कि इस्लामिक अवेकनिंग के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन हो और वो बंदे को मौका ना दें सवाल रखने का, ठीक है ना। नहीं, हुआ हुआ था ना वो मैं क्वेश्चन थोड़ा आंसर टाइट, वही सेशन मेरा था। ख्याल हार्ड एंड है, फास्ट और टाइट रूल रखता हूँ, मगर ये नरमी तरीका रखते हैं हमेशा। मेरा ख्याल है मैं गलत सोच रहा हूँ, ये वो नहीं है, उनका नाम कुछ ट्रुथ ट्रुथ टाइप का था, ये नहीं है वो, मुझे लगता नहीं पर है वो कि ध्रुव ये कैशन वो साहब, है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन और हम इन्हें कहें कि नहीं सवाल नहीं रखने देना, हम नहीं पूछना, ऐसा तो नहीं हाँ होता। था सर, था सर, था, मुझे याद है, क्योंकि मैं तो, मुझे तो याद होगा ना, आपको शायद याद नहीं हो सकता क्योंकि आप ज्यादा नहीं अल्कोहल नहीं उसको लो, लेते हाँ हो। लो, वाह वाह भाई वाह, एक बंदे को याद रह हाँ गया, इधर दो बंदे और नीचे कमेंट्स पे बंदे बैठे हैं, सारों को भूल गया। सर, ऐसे अब ना करें आप, चले ऐसे करें, आप प्रूव ले आए, हम मान लेंगे, प्रूव ले आए, वो ऑडियो चलिए, क्लिप अब प्ले मैं, करें जिस टाइम अच्छा आप आए थे। आज के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपके हाँ क्वेश्चन जी, का आंसर मैं दे रहा हूँ, तो मुझे भी जब थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्वेश्चन कल करने कल का। क्वेश्चन आंसर, कल मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रख रहा हूँ, उसमें आके अपना सवाल कर लीजिएगा। आज जो टॉपिक है उसके मुताबिक चलेंगे, अगर हम गलत कह रहे हैं तो बताएं। अच्छा ठीक है, ठीक है, मतलब मैं आपका जवाब दे दूं और आप जब, मैं मेरे अंदर कुछ कोई डाउट है तो वो मैं ना रखूं, ये कहना चाह रहे वो हैं। कल आज, नहीं 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 वो नहीं कल आ जाइएगा ना, वो बता तो रहे हैं कल इनकी स्ट्रीम हो रही है फ्राइडे वाले दिन। विनय भाई अच्छा देखें, अच्छा आप अगर आप इस शर्त पे जवाब देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ना जवाब दें, तशरीफ ले जाएं आंसर क्वेश्चन सेशन में, पहले तशरीफ ले आए, आमिर भाई के पास आ जाएं, मुफ्ती साहब के पास चले जाएं, इस्लामिक अवेकनिंग पे आ जाएं, कैसर अहमद राजा के पास चले जाएं, आप अपना सवाल पहले रख लीजिए, अपना अपने डाउट पहले क्लियर कर लें, बाद में आ जाइएगा जब हम कोई सनातन के ऊपर प्रोग्राम रखते हैं तो तब तो उसको उसका जवाब देना आप बाद में दे दीजिएगा, कोई मतलब हम पे एहसान ना कीजिए, आप पहले अपना सवाल रख लीजिएगा, फिर तरीकाकार ये होगा जो आपको मैंने बताया। ठीक है, मतलब मैं मंडे को जो होता है उसमें अपने रख सकता हूँ क्वेश्चन, यानी यही कह आज रहे हैं ना? जवाब, जी, आज ठीक है जवाब दे ठीक है। दें, बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है तो जरा सिखा दें। हाँ, जी तो ये जो शंका की बात आप कर रहे थे ना, हेलो, सवाल रख लें अली भाई, पहले सवाल रख देते हैं आपके सामने ना, ताकि पता चल जाए सवाल क्या है, रिपीट कर। चले जी मैं इनके सामने सवाल रखता हूँ एक डिफरेंट एंगल से। फिर अरे भाई, आपके आपके कोई बड़े भाई होंगे रिश्तेदारों में, जिन और उनकी पत्नी होगी, वो आपकी भाभी लगी, तो भाभी माँ को आप कैसे मुखातिब करते हैं, क्या अंदाज होता है आपका, क्या होना चाहिए? हाँ मैं बताता हूँ आपको, देखिए जो वो सिचुएशन में जो लिखा हुआ था ना उसका मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने पहली उस बात तो ये सिचुएशन का है, नहीं सुनिए, पूछा, मैंने आपके घर में पूछा है कि आप सनातन के अनुसार क्या तरीकाकार है। हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा मतलब मैं, मेरा कोई भाई है बड़ा, ठीक है, उनकी ठीक वाइफ है है, ठीक है, ठीक है, नहीं और वो कहीं पे गए हैं, ठीक है, कि भाई मैं गई, वहां पे कहीं जा पर रहा भी हूँ। नहीं गया उन, मैंने ये पूछा है कि उनके साथ आपको कैसे गुफ्तगू करनी है, उनको कैसे मुखातिब करना चाहिए, आपको कैसे बोलेंगे उनसे, क्या कह के क्या उन्हें मतलब, मुखातिब करें, क्या मतलब समझा नहीं मैं। यानी उनको उनको क्या 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 बुलाते हैं, बड़े भाई की जो वाइफ है आपकी, उनको आप क्या कह के बुलाएंगे? उनको भाभी। हाँ बस जी जी अली भाई, हाँ ठीक हो गया जी, भाभी कहेंगे ना जी,
और शब्द तो नहीं बोलेंगे, ये तो नहीं कहेंगे आप बड़ी आंखों वाली नारी मेरी बात सुन, या ए सुंदर चेहरे वाली इधर आ जरा मेरे, मैंने बात करनी है, ये कोई अंदाज तो नहीं है ना बात करने का अच्छे लोगों का। हाँ क्या क्या सनातन ठीक धर्म इजाजत देता है कि अपनी भाभी माँ को इस तरह मुखातिब किया करें? नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसके आगे बताइए ना आप। ऐसे नहीं बोलेंगे। धर्म इजाजत देता है या नहीं देता? धर्म को छोड़िए, मतलब नहीं देता, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो वो एक जनरल, एक कॉमन सेंस वाली बात है, आपस में ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं बोलना बोलते। अच्छा, आगे आप। बिल्कुल, अगर कोई बोलता है आप ही शादी कर लेते हैं, आपका छोटा भाई आपकी पत्नी को ऐसे करके बुलाए, आपको कैसा लगेगा? हाँ डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा आगे। ठीक वही है। तो मैं कह रहा हूँ, बोल तो दिया आप, आगे बोल पड़े ना। लक्ष्मण जी जो थे ना जी, लक्ष्मण जी आप जानते हैं कि राम जी के भाई थे और सीता जी उनकी भाभी थी, वो अपनी भाभी माँ को ऐसे करके मुखातिब किया करते थे, ए खूबसूरत चेहरे वाली स्त्री, ए बड़ी आंखों वाली स्त्री, ये कह के मुखातिब किया करते थे। और आपने फरमाया कि जो ऐसा करता है वो गलत करता है, तो लक्ष्मण जी गलत करते थे? नहीं, जो वो लिखा हुआ है वो ठीक है, मैं वो बता तो रहा हूँ, वो थोड़ा सा नहीं है ठीक, ऐसे नहीं। और उसके आगे अब आप बोल तो दिया, ऐसे मैंने अब नहीं एक बात था, को बार बार, नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ नहीं था। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं था, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो थोड़ा सा गलत है, अच्छा, थोड़ा लक्ष्मण मतलब जबरदस्त गलत, जबरदस्त जी? नहीं, बड़ा जबरदस्त है, एक बात बात की बिल्कुल भाई उन्होंने ने। तस्लीम की है कि ये गलत किया। अच्छा, लक्ष्मण जी ये गलत किया करते थे ना? अरे सर, कितनी बारी बुलवाओगे, मैं कह रहा हूँ जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा गलत है, बस बोल तो दिया। और मेरे को क्या आप बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं। लिखा हुआ गलत है से एक मुराद और है, ये लक्ष्मण जी के बारे में लिखा हुआ कि वो ऐसे बोला करते थे। तो हमने आज कम से कम तीन ट्रांसलेशन आपकी खिदमत में पेश की हैं, तीनों में यही लिखा हुआ है। तो अब वो गलत बोलते थे, आप कह रहे हो कि नहीं लिखा हुआ गलत है, तो वो बोलते नहीं थे ऐसे, फिर इन्होंने झूठ लिख दिया है छापे वालों ने? मैंने गलत बोल दिया, एक सिंपल वे में गलत बोल दिया है, उसके और क्या आगे क्या गलत बढ़िए करते सर। थे? ठीक है, और क्या क्या गलत करते थे लक्ष्मण जी? ये अंदाजे तखाता भी आप कह रहे हैं उनका गलत था भाभी माँ के साथ, तो भाभी माँ आगे से कह रही है कि मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए लोभ है और तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई किसी मुसीबत में फंस जाए और तुम मुझ पे अधिकार जमा लो। और लास्ट तक अगर जाएं, श्लोक के एंड पे कह रही है कि ओ लक्ष्मण, लक्ष्मण ने जब कहा ना कि तुमने मुझे ऐसा कहा तो तुम पे कोई मुसीबत आ जाएगी, तो वो कह रही है ओ लक्ष्मण सुन लो ये बात कि मैं डूब के मर जाऊंगी, मैं अपने आप को आग लगा लूंगी, लेकिन मैं राम के बगैर रहूंगी नहीं, और कोई पुरुष मुझे हाथ लगाए मैं ये कभी हाँ बर्दाश्त हाँ नहीं जिंदाबाद सीताजी, जिंदाबाद। करूंगा। मैं अच्छा डूब के कहती मर जाऊंगी, आग लगा दूंगी, मैं कुएं में कूद जाऊंगी, मैं तेज से तेज जहर पी लूंगी, लेकिन लक्ष्मण मैं ये नहीं करूंगी। तो ये क्या बात थी? एक तो आपने बुरा मान लिया कि अंदाजे तखातब बड़ा गलत था, तो दूसरा क्या गलत करते थे जिसकी वजह से सीता जी को ये कहना पड़ गया? आमिर भाई अपना लोगो काइंडली। लोगों से ला दो। जी मैं जी बता अच्छा मैं बता रहा हूँ वो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है, क्यों बोला? झूठ हेलो। बोला था? नहीं, बता रहा हूँ क्यों बोला था ये वाक्य, क्यों बोला था अच्छा सीता अच्छा जी ने अच्छा लक्ष्मण को, जी ठीक है। बताइए। अभी आमिर साहब ने बोला कि राम जी ने ये उनको आदेश दिया था कि आप अपनी मेरी पत्नी का रक्षा करेंगे और मतलब मेरे पीछे नहीं आएंगे, ठीक है। ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ, सीता जी को शंका हुई कि भाई राम जी की जान को खतरा है, तो कैसे ना कैसे तरीके से और लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए भेजो। लेकिन अच्छा लक्ष्मण अच्छा की, हाँ सुनिए, लक्ष्मण को फिर वो दुविधा में पड़ गए कि भाई एक तरफ मुझे मेरे भाई ने जो आदेश दिया है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा कि भाई मुझे रक्षा करनी है, मैं इसलिए नहीं जा सकता। लेकिन सीता जी का जो प्रेम था राम जी के लिए, वो चाहती थी कि लक्ष्मण जी उनके रक्षा के लिए जाएं, और उनको ठीक पता था लक्ष्मण जी जो हैं अग्रेसिव किस्म के थोड़े वो थे, तो वो ऐसे जाएंगे नहीं, ठीक है। है। अच्छा तो हाँ, तो वो ऐसे जाएंगे नहीं, तो उनको उकसाने के लिए ताकि कोई ऐसे शब्द बोले जाएं कि भाई वो थोड़ा सा उकसे और उसके उसकी वजह से वो चले जाए उनको बचाने के लिए, तो इस वजह से उन्होंने ये सारे शब्द जो हैं बोले।
उकसाने के लिए, अच्छा ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा जी, उकसान ताकि वो चले जाए। सबों की हाँ सुनिए आगे, तो वो इसीलिए ही उन्होंने ये चीजें सारी बोली कि वो कैसे ना कैसे तरीके से करके चले जाएं। उनको उनका नेचर पता था लक्ष्मण जी का, ऐसे नहीं जाएंगे वो, इसलिए उकसा रही थी वो उनको। जी अब अच्छा बोलिए। ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि वो उकसा रही थी, उकसाने के लिए ऐसा कर रही थी? वो कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ। अभी आपको बोला था ना, आपने बोला था ना, ये यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों बोला। अभी आमिर जी ने भी ये बोला कि ऐसा क्यों बोला, तो मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं, उनका नेचर नहीं, ऐसा नहीं, था, ऐसा भाई वाक्य हुआ। आप बता तो रहे हैं वर्मा जी, आप बता तो रहे हैं, मगर वाल्मीकि रामायण ये नहीं बता रही ना। अली भाई ये कह रहे हैं, आप बता रहे सर हैं, ये आप आए हैं आज, ठीक है ना सीता जी ये जी? बता रही हैं। अब सीता जी हाँ की तो बात मान सीता लें जी, या आपकी बात मान लें, जो आपने बयान फरमाया है वहां पर तो वैसी बात ही कोई नहीं है। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, सीता जी ऐसा क्यों बोल रही हैं, क्योंकि वो जानती थी ना कि भाई वो ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको श्री लेकिन राम वो ये जी, नहीं जानती थी, ये कहाँ नहीं लिखा हुआ है? ये सीता जी ने इनको डायरेक्ट बताया था उस वक्त, मेरा ख्याल हाँ मैं इन्हें बता देता हूँ, मैं इन्हें सर एक एक पॉइंट और बताता हूँ। विनय जी देखिए, ऐसे ना करें, जितनी मर्जी जलेबी बनाए खराब हो जानी है। बात नहीं गौर से नहीं सुन नहीं लीजिएगा, बात गौर से ठंडी सुन हो लीजिएगा। जाएगी हाँ सर, जलेबी सुनिए खराब सर, ही कहा ठंडी ना हो मेरी बात, जाएगी। मैंने देखे आपकी बात तहमल से सुनी थी, मेरी भी सुन ले। देखिए एक नारी है, आपकी पत्नी अगर आपसे ये बात कहती है कि फलां पुरुष जो है ना, मुझे उसकी नजरों में ये चीज नजर आई है, आखिर उसको कुछ फील हुआ तो कह रही है ना, अब उसकी बात पे ट्रस्ट करना चाहिए या उस पुरुष की बात पे? किस पे ट्रस्ट करें मुझे बताओ। अब वो जिसके साथ ये घटना घटी है वो बेहतर जानता है ना। तो सीता जी एंड तक, यहां तक उन्होंने उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, मातम करना शुरू कर दिया, हालांकि लक्ष्मण कह रहा है कि मैं अब जाऊंगा, उसके बावजूद वो नहीं हट रही और उसे फिर वार्न कर रही है, कह रही है कि मैं ये बात देन में रख लू। तो ये क्यों नहीं। वार्न कर रही है बार बार? अच्छा ये आप लक्ष्मण जी ने कब बोला कि मैं जाऊंगा, और उसके बाद भी सीता जी ऐसे बोल रही हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? चलो वो भी दे वो दिखा देता हूँ मैं आपको, वो भी दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पहले ये ये तो बताएं कि ये जो डाउट आया है नहीं इसके नहीं ऊपर, नहीं पहले आप, आपकी बात मान लें या सीता जी की मान लें, किसकी माननी चाहिए? पहले आप मुझे मेरा डाउट क्लियर कीजिए कि लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी आप ने ये फिर पढ़ बोल के आ दिया? जाइए ना, आप नहीं तसल्ली से आप तशरीफ ले दिख, जाइए, आप तसल्ली से तशरीफ ले जाइए, हाँ हाँ मैं आपकी यहां पर आपको जलेबियाँ, आपकी जलेबियाँ खत्म हो गई हैं, तो मैं तशरीफ लेके जा रहा हूँ। आपको सिर्फ अपना भाई पूछा आपसे हाँ जा रहा था, पूछा आपसे नहीं जा नहीं रहा था, तो जो भी बन रहा था वो आपकी तरफ से ही बन रहा था भाई। सवाल आपने तो हमारा क्लेम था, किया है, जलेबी जो आपने है, आप देखें वर्मा जी, देखें दो चीजों में फर्क समझना है। जलेबी नहीं हमेशा जवाब देने वाले के बारे में ही कहा जा सकता है कि भाई ये जलेबी बना रहा था, यानी जब आप हमसे सवाल क्लेम लेने आए पूछने आएंगे ना, तो हम अगर कोई जवाब आपने, दे रहे उसके उस वक्त आप कहिएगा कि आप जलेबी बना रहे हैं, तब सूट भी करेगा जुमला। आपने अली साहब ने बोला है कि लक्ष्मण जी ने ये बोला कि मैं जा रहा मैंने तो हूं, यार उसके पहले भी बाद भी बहुत कुछ बोला नहीं सुनो, आपने बोला लक्ष्मण जी ने ये बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद भी सीता जी ऐसा बोल रही हैं, ये कहाँ लिखा हुआ? है। मैंने आपसे अर्ज की है कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ, चलें आगे। यहां तक तो हमें बताया ना कि ये क्या बात हुई, दिखाओ ना, अगर आपको दिखाओ ना, मेरे अकॉर्डिंग पहले नहीं जो है। मैंने जो बोला है वो गलत बोला है, उसके ऊपर क्या कहते हैं आप? नहीं असल में चीज ये है अली भाई, सवाल तो ये चीज होना चाहिए कि ये वर्मा जी जो हैं बड़ी जबरदस्त इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि जी लक्ष्मण, मैंने दिखा देता हूँ आमिर भाई, नो प्रॉब्लम। नहीं असल नहीं में नहीं अली देखिए, भाई, अली भाई अगर ऐसे नहीं दिखाने के दिखाऊंगा, बाद, पता नहीं दिखाने के यार, बाद ऐसे नहीं। नहीं दिखाऊंगा, पहले मनाऊंगा, हाँ पहले हाँ मैं पहले मनाऊंगा। अगर दिखा दिया तो फिर वो मैं कहेंगे जी हाँ। आपको, अगर मैं आपको विनय वर्मा जी ये जो अब मैंने नेक्स्ट क्लेम किया ये भी दिखा दूं तो फिर मान लेंगे, फिर मानेंगे हाँ कि ठीक, सीता जी सच्ची हैं, हाँ हाँ दिखाइए ना आप, वही तो कह रहा हूँ। फिर मानेंगे, सब्र करो ना, फिर मानेंगे कि लक्ष्मण के दिल में लोभ था अपनी भाभी माता को लेके। करो वर्मा जी अब लोग देख रहे हैं, जलेबी ना बनाइएगा प्लीज। चैलेंज, नहीं, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट का आंसर दे रहा हूँ कि ऐसा हुआ मैंने होगा, मुझे ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं हुआ चाहिए, है। मैं आपने कहा मुझे ये दिखा दो तो मैं मानूंगा कि लक्ष्मण के दिल में लोभ था और वो अपनी भाभी पे आशिक हो गया था, ये आप मानेंगे, मैं दिखा देता हूँ। नहीं, मैंने उसका आंसर आपको दे दिया है कि सीता जी ऐसा क्यों बोल रही थी, ठीक है? मैंने देखो जी उसका आमिर आंसर आपको भाई, दे दिया। अनुष्का शर्मा मुझे बताएं कि चेंज हो मैंने गया वो ना, दिखा दी तो फिर अभी तो यही आपने है आपकी कहा कि बात। हाँ, अभी आपने एक डिमांड की कि मुझे वो दिखाओ जलेबी बना रहे हो, अभी वो कह रहे हैं
अगर मैंने दिखा लिया तो वर्मा साहब आप क्या करेंगे, आप टिकते ही नहीं है, आप नहीं अपनी तो जलेबी मैं, को बगैर शीरे के ही ठंडा कर देते हैं सर, ये इस क्या तरह ना कीजिए देखा, भाई वर्मा साहब, इस तरह ना कीजिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने वो दिखाया तो मैं उसको बोलूंगा कि ये चीज सही, मतलब लॉजिकली ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो ये चीज गलत है, हाँ आप ये दिखाओ। नहीं फिर हम आपकी हाँ, तो लॉजिक फिर हम पता नहीं अपना कहाँ टाइम क्यों, कहाँ जाएगी। हाँ हाँ फिर हम अपना आपकी टाइम क्यों लॉजिक जाया करें वर्मा जी, या जब आप क्या, हमें समझ, आप पहले से सोच के बैठे हैं कि अगर दिखा देंगे तो मैं कहूंगा आपकी लॉजिक ठीक नहीं है, ऐसे सही नहीं तो वैसे सही नहीं, नहीं ये तो फिर आप नहीं हमारे साथ आप मजाक कर रहे हैं ना वर्मा जी, ये तो ठीक नहीं है। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मैं मजाक क्यों करूंगा, मैं तो अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया ना कि देखें, भाई जब ऐसा जब क्यों जब बोल रहे आपने हैं। देखें, आप देखें मेरी बात सुने, आपने अली भाई को कहा जो क्लेम किया उसको दिखाओ, अली भाई का राइट बनता है वो आपको कहे मैं दिखा दूंगा आप मानोगे, मैं दिखा देता हूँ, आप देख जी, लो उसके बाद आप बता दो कि भाई मैं मानता हूँ जो लिखा हुआ है वहां पर, वो मानूंगा जो लिखा होगा। हाँ बिल्कुल जी ठीक बिल्कुल मानो, है ना, हाँ मान ठीक लेंगे है। फिर, आप मानेंगे हाँ फिर जी, हाँ लोग। जी, अच्छा जी पक्की बात है, ये पब्लिक के नहीं सामने क्या बात नहीं है। मानेंगे नहीं नहीं आप मानेंगे, वो दिखा, कह रहे हैं कि जो लिखा होगा वो मैं मानूंगा कि हाँ ये सही ठीक कह रहे थे आप, लिखा हुआ है। नहीं आप दिखाइए पहले, उसके बाद डिसाइड होगा सर। देखिए नहीं, बात फिर उधर आ गई। चैलेंज इतना बड़ा, चैलेंज इतना बड़ा, देखो उसके बाद चैलेंज बढ़ डिसाइड होगा। चुकी है। देखें देखें मेरी बात सुने वर्मा जी, आपका क्लेम ये था, ये जो अली भाई ने कहा है कि जाने के बाद भी कहा ऐसा मुझे दिखा दें, अब ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा क्लियर सा, बड़ा प्लेन क्लेम है आपकी तरफ से कि ये मुझे दिखाएं ये लिखा हुआ है। अब अगर वो दिखा देते हैं आपको कि कृष्ण अपना लक्ष्मण जी जा चुके हैं और माता सीता जी ने ये कहा, तो ऑब्वियसली उनके जाने के बाद कहा, अब इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे आप ज्यादा, मैं सोच रहा हूँ कि कितनी को बड़ी आप लॉजिक लगा देंगे वहां पर, नहीं लग अच्छा, सकेंगे। आपने बोला है कि लक्ष्मण जी ने ये बोल दिया कि भाई मैं जा रहा हूं, और उसके बाद सीता जी क्या कह रही है, मुझे ये बताइए आप। उसके बाद भी कह रही हो लक्ष्मण मैं मर जाऊंगी राम के बगैर, राम की जुदाई में मैं मर जाऊंगी, मैं जहर खा लूंगी, और पीटने भी लग गई है। ठीक है अच्छा, हाँ जी, तो उसमें क्या, हाँ तो उसमें क्या गलत बोला है वो, तो वो मतलब अपना एक अपना, आप यहाँ पर आ गए यार विनय वर्मा, पहले आपने कहा था कि मुझे मैं ये क्या, दिखाओ कि मैं दिखा नहीं देता हूं उन, कि पहले मैं ये ये कह बात रहा हुई हूं। है, लक्ष्मण ने ये कहा है कि मैं चला जाता हूँ, उसके जाने के बाद उसको वार्न कर रही है सीता जी, क्यों कर रही है आप बताएं मुझे, वो तो कह रहा है मैं जा रहा हूं। उसके जाने के बाद सीता जी क्या बोल रही हैं, वही तो पूछ रहा हूं आपसे। वो वो बोल कह रही रही हैं कि है किसी बंदे, लक्ष्मण, किसी और बंदे के पास नहीं जाऊंगी, तू यहाँ रुक कर जा या ना जा, किसी के मैंने काम नहीं आना, मैं श्री राम की हूँ, हाँ श्री राम की ही रहूंगी, तू जी इस ये चीज सुन का लो, इंतजार मत कर। हाँ तो क्या गलत बोला उन्होंने फिर, उन्होंने सही तो बोला है कि हाँ मैं नहीं मैं किसी और सही बंदे कहा के था, साथ यही तो अली ऐसे भाई, कर। तो एग्जैक्टली तो अली भाई भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने लक्ष्मण को उभारने के लिए बात नहीं की, बल्कि उनको कंफर्म था, वो कहती थी कि मैं जानती हूँ लक्ष्मण तेरे दिल में ये उम्मीद है कि श्री राम किसी संकट में हैं और वो स्वर्ग पधार जाएं या परलोक पधार जाएं, ठीक है, और तू मेरे पे अपना अधिकार चला सके, ये मैं जानती हूँ, तो ये निश्चय कर ले इसका, कि मैं श्री राम के अलावा किसी और पुरुष के पास नहीं जाऊंगी, वो सिंसियर थी। इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूं, वो क्यों बोल रही है, क्योंकि वो जानती थी नहीं कि वो वो आंसर नहीं लक्ष्मण है जी वहां पर, अगर, देखें वर्मा जी आंसर बहुत प्यारा है, नो डाउट आंसर आपने बड़ा अच्छा दिया है, मगर अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ वाल्मीकि रामायण के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि सीता जी को पता था कि लक्ष्मण का ये हुआ वो हुआ, लिहाजा इसको मैं ये बोल देती हूँ तो जाएगा। नहीं, ये थोड़ी सी आप खुद भी अपना दिमाग यूज कीजिए ना कि ऐसा क्यों नहीं नहीं क्यों बोल दिमाग रही थी नहीं, वो। देखें देखें एक मेरी बात सुन, नहीं, ये फर्क है वर्मा जी, नहीं जो कथा होती है या जो इतिहास होता है उसमें दिमाग नहीं लगाया जाता, उसमें जैसे है सत्य को सत्य ही रखा जाता है। अब मैं यहाँ बैठकर लगाऊं रावण सीता जी को इसलिए नहीं लेके गया था, वैसे लेके गया था, इस कारण लेके गया था, और मैं ये सिद्ध करना शुरू कर दूं कि श्री राम जी ने अन्याय किया युद्ध करके, रावण की तो इच्छा ऐसी थी वैसी थी, आप कहेंगे इंसान बन मूर्ख है क्या, इतिहास लिखा हुआ है नहीं सबको पता है। हाँ जो जो चीज लिखी हुई है उसमें जो ये थोड़ा सब हाँ कुछ थोड़ी ना लिख, सब कुछ नहीं लिखा होता, थोड़ा दिमाग भी यूज करना होता है मगर कि ऐसा नहीं क्यों नहीं नहीं बोला जा हाँ रहा। ठीक है ठीक है, अब मैं आपके साथ इस यहाँ भी सहमत हूँ वर्मा जी कि कुछ ऐसी कथाओं के ऐसे मोड़ होते हैं जहां पर एनालिसिस हो जाता है, मगर वो जगहें जहां पर किसी दूसरे का इच्छा है, किसी दूसरे के शब्द हैं, किसी दूसरे का विचार है, आप उनके अंदर अपने एनालिसिस नहीं कर सकते कि इसलिए कहा था।
नंबर वन। नंबर दो, चले मान लेते हैं आपकी बात के उन्होंने उनको प्रवोक करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए किधर गए। हेलो, पता नहीं कहाँ निकल गए, निकल गए चले ये, गए, शायद उनकी बैटरी भी सकती ही चले नहीं। कोई नहीं, त्रेता युग निकल गए। अच्छा, मैंने यानी मैं जो बात रखने लगा था वो ये है, यार आपने ज्यादा से ज्यादा किसी को, मिसाल के तौर पे मैंने अगर यार अली भाई को, जुल्फकार और भाई को किसी को प्रवोक करना है, मैं कहूंगा यार डरपोक हो, यार जने बनो, हैं माँ का दूध नहीं पिया, या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस तरह की बातें बोलूंगा। ठीक है, इनको प्रवोक करने के लिए आप एक बंदे की ईगो को हर्ट इस जगह पर कर रहे हो कि उसको पापी बना दिया है, उसको अपराधी बना दी, ये कौन सा भाई, ये कौन सा प्रवोक है। वो बंदा कहेगा श्री राम को छोड़ो, पहले तो मैं ये सिद्ध करूंगा मुझे क्या तूने मेरे पे इल्जाम लगा दिया है, बिल्कुल ये क्या बात हुई कि मुझे कह दिया मैंने तुम पे नजर रखी है, एड्डी तू रही नहीं। वो आगे से बंदा सीधा हो जाता है, मतलब मैं अगर किसी दोस्त से, ये मैं बात जनमन कर रही हूँ।